वेलकम टू आर्टिस्टल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैं हल्द्वानी में आ चुका हूं। अब जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा कि कैंची धाम के लिए जो नीम करौली बाबा हैं उनके पास जा करके उनके आश्रम को दिखाने वाला हूं। और उससे भी पहले, क्योंकि जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर क्या आप कहीं चले गए हो, आप कहाँ हो, कुछ पता होता नहीं है, तो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं अपने 7, 8, 9, 10, 11 जो 4 दिन का हमारा 7, 8, 9, 10 जो 4 दिन का अधिवेशन था, इसके बाद मैं ऋषिकेश, हरिद्वार और अब नीम करौली बाबा के लिए यहाँ आप देख सकते हैं स्टेशन पे ही खड़ा हूँ। अभी जस्ट सुबह के 7 बज रहे हैं और लगातार लोग मुझे कल कॉल भी कर रहे थे कि सर आप कम से कम वीडियो भी नहीं डाल रहे हैं। तो आप सभी जो बच्चे नर्सिंग वाले हैं, पैरामेडिकल वाले हैं और सभी लोग, तो मैं सभी के लिए प्रार्थना भी करने वाला हूँ नीम करौली बाबा के धाम में, कैंची धाम में, कि आप सभी के जो एग्ज़ाम्स पेंडिंग चल रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम्स हो जाएं। और साथ ही साथ देखिएगा कि मैं अगर जा रहा हूँ सच्चे दिल से नीम करौली बाबा के पास, उनके धाम पे मतलब, तो ऐसा ही होगा और आप लोग के रिजल्ट्स भी जल्दी आने वाले हैं। दूसरा कि सर अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि आपके अपडेट रहता है तो हमें चीज़ें समझ आती हैं। तो भैया मेरे, आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोगों के लिए व्यवस्था चल रही है, कोर्ट भी अब निर्णय लेने वाला है। जैसा कि 1 दिसंबर को डिसीजन लेना था, 1 दिसंबर को नहीं हो पाया, फिर 12 दिसंबर को था, अब 20 दिसंबर को, जो हमने पहले भी चिंतन किया था 20 दिसंबर को ऐसा तय हो जाएगा कि आप लोग के एग्ज़ाम्स होंगे। और आज मैं जा कर के नीम करौली धाम में, जो नीम करौली आश्रम है, तो उसमें भी ये करूँगा कि आप सभी के एग्ज़ाम जल्द से जल्द हों। तो आप सभी भी मेरे चैनल पे नीम करौली बाबा की जय लिख करके, कुछ भी ऐसा, जय हनुमान जी, क्योंकि हम सभी जानते हो हनुमान जी के प्रतीक है। एक कहानी मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ, एक क्यों, जैसा कि एक तो बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि नीम करौली बाबा विदाउट टिकट एक ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। उनका नाम नीम करौली क्यों पड़ा, क्योंकि नीम करौली ही एक स्टेशन पर उन्होंने वो टीटी ने उतार दिया था। अब हुआ क्या कि वो ट्रेन, उन्होंने अपना चिमटा वहाँ रखा और बैठ गए, वो ट्रेन का इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पाई, तो आप जान करके हैरान होंगे। फिर इसके बाद उनसे पैर वैर छुआ गया और बोला गया बाबा जी गलती हो गई, आप चलिए इस ट्रेन से। तब वो ट्रेन फिर वापस वो डिब्बे में बैठे और वापस वो ट्रेन स्टार्ट हुई। दूसरी एक कहानी, क्योंकि मैं भी तो एक, मतलब मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उनकी कुछ कहानियाँ सुना पाऊँ या कुछ भी बता पाऊँ। दूसरी उनकी कहानी जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि की ओर मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो मैं अभी मुझे पता चला कि एक बार एक गरीब घर में शादी की बात थी, तो लड़की वाला था, तो लड़के वालों ने कहा कि हम शादी करेंगे तभी जब पूड़ियाँ, मतलब जो जो पकवान बनेंगे वो घी के बनेंगे। तो उनके पास में ही एक तालाब था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर तू इससे निकाल ले। तो बोला बाबा जी ये तो पानी है, वो तू निकाल ले जा और जा, उन्होंने तेरे को जितनी ज़रूरत है वो ले जा। वो पानी लेकर गया, वहाँ वो घी बन गया। तीसरी एक ऐसी कहानी है, बाबा जी फ़कीर आदमी, उनको अर्जेंट कहीं जाना था, तो उन्होंने मतलब गाड़ी में बैठा, उनका डीजल पेट्रोल नहीं था, उन्होंने पानी उठा करके डाला, वो पेट्रोल बन गया, वो अपने स्थान पे चले गए। तो ऐसे थे हमारे नीम करौली बाबा। और ये भी एक बहुत बड़ा शोध का विषय है, क्योंकि सभी जानते हैं और सभी मानते भी हैं कि वो हनुमान जी के ही अवतार थे यहाँ पे, और आज हम उस धाम पे जाने वाले हैं। तो मैं एक छोटा सा वीडियो आप सभी को, आप सभी के लिए रिलीज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये वीडियो कोई लाइक शेयर और इसके लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मेरे भक्ति का विषय है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, जिससे मुझे भी कुछ जो मुझे अनुभव होगा वो मैं आपको वीडियो के फॉर्म में बताऊँगा, मुझे कैसा लगा यहाँ नीम करौली धाम आ करके, अपने नीम करौली बाबा के आश्रम में आकर के, कैंची धाम में आकर के। और ये नीम करौली धाम क्यों पड़ा, मैंने ये समझाने के लिए ये वीडियो बनाया। धन्यवाद।